हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो टाइम का यूज होता है, जिसमें सिंस और फॉर का कैसे यूज किया जाता है, मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तक आप सिंस और फॉर के बारे में नहीं जानते हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, और मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, और आप अच्छे तरीके से सिंस और फॉर के बारे में पढ़ लीजिए, और तभी आपको इस वीडियो में समझ में आएगा कि सिंस और फॉर का यूज कैसे और कहाँ करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डिफिनेशन क्या होती है और सम इम्पॉर्टेंस पॉइंट क्या होती है, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो हम क्या किए हैं, यहाँ लिख लिए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं आपको जब स्टार्टिंग में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा रहा था तो वहाँ पर एक चीज़ बताए थे कि जहाँ पर कंटीन्यूअस शब्द लिखा रहेगा, जहाँ पर कंटीन्यूअस शब्द लिखा रहेगा, इस कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जारी रखना, मतलब कंटिन्यू, लगातार। तो इस केस में भी वही चीज़ आएगा कि जहाँ कंटिन्यूअस आ जाएगा तो सेंटेंस कैसा रहेगा, लगातार, मतलब वो काम कर रहा है, रुक नहीं रहा है। और जहाँ पर ये भी एक चीज़ बताए थे कि जहाँ पर कंटिन्यूअस आ जाएगा वहाँ पर आप वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे, फोर्थ फॉर्म यूज करोगे। चलो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की डिफिनेशन। तो मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में डिफिनेशन लिख लिया हूँ। अब देखो इसकी डिफिनेशन क्या होती है, तो मैं आपको डिफिनेशन बोल रहा हूँ और आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, और आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगी। तो चलिए आप डिफिनेशन लिखिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, और साथ में समय भी दिया गया हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, और साथ में समय भी दिया गया हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब आपको डिफिनेशन समझ में आ गई होगी कि डिफिनेशन में आपको क्या जोड़े हैं हम अलग से। अगर इस डिफिनेशन में आप टाइम को हटा देते हो तो आपकी डिफिनेशन सीधे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाएगी। तो इसीलिए आपको टाइम लगाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की डिफिनेशन होगी। अदरवाइज आपका सीधे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चला जाएगा, क्योंकि डिफिनेशन सेम है, बस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टाइम को ऐड कर दे रहे हैं। तो आपको डिफिनेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बाद बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखिए सम इम्पॉर्टेंस पॉइंट क्या होती है। अगर आप इसको नहीं समझोगे और आपको अगर ये चीज़ नहीं याद होगी, तो जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रूल बताएंगे और पॉइंट बताएंगे तो वहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें देखो जो आपकी पहली पॉइंट आती है, पहली पॉइंट क्या, पहचान, इसी को इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। अब देखो पहचान में आप क्या लिखोगे, कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का आपसे कोई भी पूछ सकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान बताओ क्या होती है, तो पहचान मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और ये भी याद रहे, पहचान आपको हमेशा वाक्य के अंत में ही मिलेगी, क्लियर है? तो चलो हम लिखते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, और साथ में समय भी होगा, साथ में समय भी, ठीक।
अगर इसको आप नहीं यूज करोगे ना, तो आपकी सीधे डिफिनेशन किस में जाएगी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो आप देखो, ए आपकी पहचान हो गई, और पहचान याद करना बहुत इजी है। यहाँ से यहाँ तक आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़े हो, बस केवल आप क्या करोगे, टाइम को ऐड कर दोगे। और टाइम में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ टाइम में क्या आएगा, तो ए आप यहाँ पर पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं देखे हो तो आप देख लीजिए, चैनल पे वीडियो अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी अवेलेबल है। क्लियर। इसके बाद हम दूसरी पॉइंट की बात करते हैं, वर्ब। अब देखो, इसमें वर्ब कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या इसी को हम कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर है। तो आप हमेशा जहाँ पर कॉन्टिन्यूअस मिल जाएगा, वहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और एक हम कहते हैं आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। क्लियर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तीसरी पॉइंट क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना हैज या हैव प्लस बीन। क्लियर है। इसी को हम दूसरे तरीके से बोलते हैं, हैज बीन या हैव बीन। क्लियर है। ए आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर हमको आपको ए भी नहीं बताना है कि हैज का यूज कहाँ करते हैं, हैव का यूज कहाँ करते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, जब हम तीसरा पार्ट पढ़ रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब है, बस इसमें हम क्या किए हैं, बीन को ऐड कर दिए हैं। तो एक किस केस में हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जो आप आगे चलकर बहुत गलती करेंगे। तो उस गलती को मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ, बहुत से स्टूडेंट को पता भी होगा और बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होगा। जिसको नहीं पता है तो यहाँ पर कोई बात नहीं, मैं आपको उस चीज़ को अच्छे तरीके से बता देता हूँ। तो आगे जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ हमको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप उसको अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आप कहाँ गलती करते हैं, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। किस केस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, हैज़ बीन या हैव बीन। देखो गलती कहाँ करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट, जब आपको दो ही सेंटेंस में गलती करते हैं आप लोग, पहला निगेटिव, पहला निगेटिव। निगेटिव में जब आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जिनको नहीं पता होता है, देखो गलती क्या करते हैं, जब निगेटिव में नॉट का यूज करना होगा, किसका, नॉट। ठीक। तो वो क्या करते हैं, जब ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को, ऐसे लिखते हैं, हैज बीन नॉट, ऐसे लिखते हैं। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपका ट्रांसलेट गलत। वो लोग क्या सोचते हैं कि ए पूरी हेल्पिंग वर्ब है, बट आपको पता नहीं कि मेन हेल्पिंग वर्ब ए। तो अब देखो, आपको क्या लिखना रहेगा, कभी भी आप गलती ना करिएगा। ए तो आपका गलत हो गया, सही क्या है, ए चीज हैज नॉट बीन। और इसके बाद आपको क्या करना है, ए आपका सही हो जाएगा, मतलब नॉट के बाद बीन का यूज करना है और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट के बाद नॉट का यूज करना है। कभी भी आपको ऐसे बीन के बाद नॉट का यूज नहीं करना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज और सुन लो, जब अगर आप भूल जाते हो तो हमेशा हैज और बीन के बीच में नॉट का यूज होगा, जैसे आपको यहाँ देखो दिख रहा है, ये देखो आपका हैज हो गया और ये आपका बीन हो गया। क्लियर। और इसके बीच में नॉट। ऐसे जब हम हैव का देखेंगे, हैव के केस में जो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, तो इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, जिसको नहीं पता रहेगा तो वो क्या करेगा, ऐसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा।
इस प्रकार से तो उसका गलत हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसके बीच में नॉट लगा दो और यहाँ बीन लिख दो और यहाँ पर हैव लिख दो, ये आपका हो गया निगेटिव। तो ये सब आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर क्या छोटी छोटी गलती हो सकती है, तो इसको आपको याद रखना है। एक किस केस में होगा ज़्यादातर गलती, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब देखो दूसरे और अब किस सेंटेंस में होता, एक आपका आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव में क्या होता है, तो इसमें भी आपको गलती कहाँ करते हैं, जब ये हेल्पिंग वर्ब मिलता है तो आप लोग गलती कर देते हैं। कैसे लगाना है इस चीज़ को समझना है। तो देखो ठीक है, तो जब आपको सेंटेंस मिलेगा इंट्रोगेटिव में तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो सब्जेक्ट है, देखो स्टूडेंट की गलती क्या होती है, वो क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे, हैज बीन, इसके बाद आपका जो आता है सब्जेक्ट, ये केस करेंगे। जो भी ऐसा स्टूडेंट करता है ट्रांसलेट के टाइम में तो उसका क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब देखो सही क्या होगा, हैज के बाद अब आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन। वही केस जो निगेटिव वाला पढ़े थे कि इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गया। ऐसे सेम आपका हैप के केस में होता है जब आपका इंट्रोगेटिव होगा। एक चीज़ और इंट्रोगेटिव में बताता हूँ, जब आप इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव करते हो, इसमें भी बहुत फॉल्ट करते हैं स्टूडेंट, बहुत गलती करते हैं। तो इसको भी आप यहीं पर समझ लो कि जब हम ट्रांसलेट करवाएं तो वहाँ पर गलती ना करें आप लोग। तो इसमें क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, जिनको नहीं पता है वो ऐसे लिखते हैं, हैज बीन, जब ट्रांसलेट करेंगे नॉट प्लस, ए नॉट है सब्जेक्ट, ए ऐसे वो लोग करेंगे तो उनका तुरंत गलत। सही क्या होगा ये देखो, आपको करना क्या है, हैज लिखना है, हैज के बाद अभी देखो बताया हूँ सही वाला, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन, ए केस आपका करना, ए आपका सही है। क्लियर है। अब निगेटिव को में अगर आपको निगेटिव भी मिलता है इंट्रोगेटिव में तो आपको ऐसे ही यूज करना है। तो उम्मीद करते हैं आज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डिफिनेशन क्या होती है, सम इम्पॉर्टेंस पॉइंट क्या होती, और कुछ स्पेशल चीज़ के बारे में बात की जो छोटी छोटी बात होती है स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ पर जब वो ट्रांसलेट करते हैं उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइज, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।